मधुमक्खी माखी की प्लांट की करवाई। हालांकि उससे पहले सन 2002 में मैंने 10,000 गोट भिजवाए थे, उस वक्त किसी को पता भी नहीं लगा, और मैं यहाँ से 1,000 मैट्रिक टन शहद लेके गया सन 2002 में, किसी को पता भी नहीं लगा। यानी ये ऐसे हो गया जैसे आपकी आंखों में से सुरमा निकाल लेते हैं, आपको पता भी नहीं है और हम लिक्विड गोट लेके चले गए। लेकिन आदमी तो ऐसा था कि वो रास्ता रोक लेता, भैया तुम ये बताओ, पहले तो यही कहता था कि तुम ये मक्खी उठाओ। उसके बाद उसने किसी रिलेटिव से बात की, उसने समझाया, फिर उसको भी बोला कि तुझे क्या पता, हमको पता है खेत का काम हम करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि जो मधुमक्खी पालन है वो सिर्फ किसान के हित में ही है। ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है या इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जितने भी IAS IFS बैठे हुए हैं, दे आर नॉट होल। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आपके रोजगार पे भी नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट किसी के हनी प्रोडक्शन पे भी नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है तो आपकी फसलों का जो पॉलिनेशन है उसके ऊपर इंटरेस्ट है कि आपकी